रहे हैं। महाराज सुबह जब हुआ तो कोई राजा याती शिकार खेलने के लिए चले। घोड़ा के काप की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो महाराज शूद जी बोले हैं सोनिका ऋषियों, घोड़ा की टाप जब आवाज सुनी देवयानी ने तो आवाज लगाई कुआं से राजा ने आगे जाए कि घोड़ा रोको है और जैसे ही कुएं में झांक के देखा तो एक नवयुवती पड़ी हुई पीतांबर डालो देवयानी को ऊपर खींचो। झपट के राजा की कलाई पकड़ी देवयानी ने, अरे भाई हाथ छोड़, अरे तेरा नाम का है, तेरे पिता का नाम का है, जो कुआं में कैसे आई। देवयानी बोली महाराज हम धीरे धीरे सब बता देंगे। बोले हाथ छोड़ दे। देवयानी बोली महाराज मैं गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूं, नाम है देवयानी, ब्राह्मण की लाडू। एकदम से बोले राजा याति हाथ छोड़ दे बहुत जल्दी। क्यों? बोले तू ब्राह्मण की लड़की, मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली कि स्टाम्प पेपर पे लिखी आई होगी ब्याह नहीं हुई। बोले नहीं हो सकती। देवयानी ने जवाब दो महाराज हमारी शादी यादव वंश में होगी। क्यों? बोले वो ऐसे हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगाए, हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा कि मेरी शादी यादव वंश में होगी। कैसे? बोले वो ऐसे महाराज वो कच्छ मेरे पिता के यहां संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं उसने मोहित हो गई। जब मोहित हुई तो उसने कहा तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी बहन हुई, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि अगर तू, मैंने उससे कहा कि अगर तू विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीन हो जाए। जब महाराज उसकी विद्या छीन हो गई तो उसने मुझे श्राप दे दिया, जा देवयानी मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तुम भी यादवों के साथ में जाएगा। इसलिए महाराज मेरी शादी यादव वंश में हो। और अच्छा हुआ कि मेरी सहेली अंडाली में चली गई कुएं में। हाँ राय बोले सही कह रही थी। सहेली को नाम क्या है? बोले सर्विष्टा। और जवाब दो